भाई। और सबसे बड़ी बात, आप वीडियो में आप ये समझिए 35,000 के अंदर इतनी सब चीजें मिल रही हैं। 34-35 की हाइट है, वेट रहेगा इसका लगभग मेरे भाई 45। खाने पीने में भी अपना कमी नहीं है उसमें, लेकिन फुल मस्त आता रहता है। खाने के टाइम खाना, दाने के टाइम दाना, जो भी रहे। भाई आपने कहा कि ये सबसे कम रेंज का बकरा है जी, तो इसका फिर भी क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग? आएगा और फुल अटैकिंग बकरा है, वो तो फिर मारने के लिए ढूंढता आदमी को। अच्छा, इसके हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गोट वर्ल्ड। दोस्तों एक बार फिर हूँ मैं भोपाल में और हम लोग मुलाकात करेंगे फराज भाई से, देखते हैं इनके पास क्या है सेल के लिए। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं एफजी गोट फार्म पर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे फराज भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, फर्स्ट क्लास। अच्छा फराज भाई, पहले आपकी वीडियो काफी टाइम डाला हूं मैं, पहले जी फर्स्ट टाइम आ रहा है जी हां। एंड अच्छा लगता है कि आपके पास में मीडियम रेंज की अगर कोटा बकरे चाहिए तो डायरेक्ट आपको कॉन्टेक्ट कर लो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो काम हो जाता है जी। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हर चीज अभी अवेलेबल है कोटा में, मालवा में, और कुर्बानी का टाइम नजदीक है, वो हिसाब से बकरे सब 2 दांत 4 दांत 6 दांत के बकरे हैं जो अपने नॉर्मल कुर्बानी में चलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, सब रेंज के बकरे, आउट ऑफ बजट बकरे नहीं है, सब हिसाब किताब के बकरे। अगर कोई भाई कुर्बानी के लिए इंटरेस्टेड हो तो ले सकता है। तो मतलब ये साल भी मतलब रिजनेबल प्राइस में आपके वहाँ से मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मेरे पहचान में आपके वहाँ से काफी बकरे पहले गए हैं पास में, रत्नागिरी वगैरह। जी जी, रत्नागिरी, मुंबई, पूना, चिपलून, राजापुर, यहाँ पर अल्लाह ने हरी जगह लगभग बकरे भिजवाए। और अल्लाह का शुक्र है, आप भाइयों की दुआ से, आप भाइयों के सपोर्ट से आज इंडिया के बड़े बड़े बकरे अपने पास है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला वक्त रहा तो आगे बताऊंगा मैं, जब अपन लॉन्चिंग करेंगे तो जरूर आप लोगों को भी। जी जी इंशाल्लाह भाई, जरूर आपकी मेहनत जो रंग ला रही है अल्हम्दुलिल्लाह भाई। टोटल ये कितने बकरे हम लोग इस वीडियो में भाई? इस वीडियो में 6 बकरे अपन शूट कर रहे हैं। 6 जी जी, ठीक है शुरू करते हैं हम लोग। ये भाई मालवा है, ये अपना इंदौरी मालवा है, मतलब देवास साइड का है, जो माशाल्लाह अभी जस्ट दांत किया है इसने, और फुल माशाल्लाह शानदार बच्चा है। 34-35 की हाइट है, वेट रहेगा इसका लगभग मेरे भाई 45-48 के समथिंग, 50 भी हो सकता है, लेकिन 45-48 समथिंग वेट पकड़ लीजिए। हाँ, 48 के आसपास होना जी चाहिए। होना चाहिए आराम से। एंड खूबसूरत चीज़ है, काफ़ी खूबसूरत चीज़ है, कॉम्बिनेशन कलर का बहुत अच्छा है, कम आते हैं इस बकरे, इस कलर में बकरे, और अच्छे दिख के आते हैं। और मालवाओं का तो अपना बयस आ गया, अपना अलग है, उनकी बनावट, उनका लुक, खाने पीने का लेना एक अलग ही निज़ाम बनाया, वेट गेन बहुत अच्छा रहता है भाई मालवाओं में। भाई आपने दांत कितना बताया इसका? 2 दांत बताया ना आपने। एंड भाई अगर इसको लेके कोई 2024 के लिए छोड़े, 2024 भाई, वो बहुत अच्छी चीज आएगी, क्योंकि ये जो है ना एकदम हाइट वैसी नहीं लगेगा, अपन समझे 40 चले आए, 39 चले आए, भाई 38-37 हाइट आएगा, लेकिन बकरा जो आएगा ना, बनावट का राजा जो मालवा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, फुल लुक में दुम इतनी बड़ी झाला, और बकरे का एकदम सीना जाड़ा, वो हिसाब से आएगा माशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर से इसका ये सीना खुलना शुरू हो जाएगा, फुटबॉल टाइप जिसमें बोलते हैं मालवा में, बस वो आना चालू होगा। तो भाई अभी आना चालू हो गया, लेकिन क्या है, दिख के जब आता है ना वो थोड़ा वक्त लेता है बकरा, 60-65 किलो पे आता है तो सीना वीना दिख के आता है बकरे का जी। अच्छा फराज भाई, क्या प्राइस इसका, आपका आस्किंग प्राइस क्या है? भाई मैंने अभी कोई ऐसा प्राइस मतलब बताने का नहीं था, लेकिन ये समझ के चलिए लगभग इसका अपन आस्किंग प्राइस 28,000 है। 28,000 जी प्राइस। जी ठीक है भाई, नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग। अभी क्या है ना, मैं आपको बताऊँ, कोशिश ये करते हैं अपन प्राइसिंग जो रहेगी ना, मैं आपको प्राइसिंग पर्सनल भी रखूँगा, एक का मैंने आपको बता दिया, अब वो किसी को ज़्यादा लगे कम लगे, मैंने एक अपना बताया बताइए जी, बाकी सबका प्राइस एक आइडियल प्राइस बताऊं, 35,000 के अंदर के बकरे हैं सब जितने भी हैं, 30,000 और बाकी और कम के भी है, एक नॉर्मली एक आइडिया दे रहा हूँ खाली। ठीक है, तो इस रेंज के आसपास है। अच्छा, इसमें कोई गुंजाइश हो जाएगी आगे? बिल्कुल होगी गुंजाइश, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल 100% है, बाकी हम डिटेल लेते रहते हैं सब। बिल्कुल, यदि ये बकरा है अभी भाई 2 दांत किया बच्चे ने, और 36-37 की हाइट है, और 50+ वेट रहेगा इसका। ये इन सब में गर्म यही है ना? हाँ भाई, मस्ती वाला एकदम, वो ऐसा गर्म नहीं, खाने पीने में भी अपना कमी नहीं है उसमें, लेकिन फुल मस्त आता रहता है। खाने के टाइम खाना, दाने के टाइम दाना, जो भी रहे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो मस्ती के टाइम पीछे नहीं हटता अपने मुँह का मस्त आने से जी।
अभी वो रस्सी टाइट हो रही है सब कुछ है, लेकिन वो अपना चार्ज फुल चार्ज है। जब कभी नहाके खड़े भाई बकरे जी, देखो आपको बाल उसके दिख रहा होंगे अलम पूरे नहा के खड़े बकरे जी। ये भी अच्छा बकरा है 24 के लिए, अगर कोई देखे ना ये भी अच्छी चीज है। ये थोड़ा मेरे को भराई टाइप वाला है जिससे जाता ना वैसा जा जी जी जी, कि टांगे वगैरह मेरे को माशाल्लाह से काफी मजबूत लगी। हाँ रख सकते ना भाई, अभी कुछ टाइम तो उसको ऐसे चल ले दे, उसके बाद अगर भराई पे भी लेना चाहें तो उसका है उस लायक चेहरा वेरा वजन वजन उस लायक है बकरे का जा सकता है जी जी भाई। नेक्स्ट ले लेते हैं जी। इसके बाद ये बच्चा है छोटा, इसके भी शायद दो दाते, एक ये बच्चा है भाई अभी एक दांत करा दूसरा दांत निकाल रहा है और ये भी कोटा में ही है और अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। देखिए इसको तो खोल के मैं आपको थोड़ा सा चला के बताऊंगा बकरे को क्या, ये नहाने के हिसाब से अभी नहाया ना तो थोड़ा सा उस हिसाब से सुस्त दिख रहा था इसलिए मैंने खोल लूँ। गला पट्टी झालर वालर पूरा कम्प्लीट है बकरे का, अच्छा बकरा है। ये इस वीडियो का सबसे कम रेंज का बकरा है भाई। अच्छा जी, लेकिन है एकदम हाँ अच्छा बच्चा है माशाल्लाह। लगभग वजन भी 40 किलो के करीब होगा इसमें और 33 के समथिंग हाइट है। दो दांत कर रहा है बच्चा माशाल्लाह, झालर गला पट्टी अच्छा है बच्चे का जी माशाल्लाह, खूबसूरत बच्चा है। ठीक है भाई नेक्स्ट ले लेते हैं। इसके बाद आइए अभी देखिए चार्ज होना चालू हुआ बकरा। हाँ अभी हुआ चार्ज जी। सो भाई आपने कहा कि ये सबसे कम रेंज का बकरा है जी, तो इसका फिर भी क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग भाई? इसका 20,000 रुपये, 20,000 रुपये विद ट्रांसपोर्ट, 20,000 रुपये विद ट्रांसपोर्ट आस्किंग प्राइस है। इसमें भी थोड़ा बहुत जो भी आएगा मान सम्मान होगा वो कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जी जी, बहुत शुक्रिया भाई। नेक्स्ट ले लेते हैं। इसके बाद आइए आइए कालिया, इसके तो करीब भी नहीं जाऊंगा मैं, क्या है मारता ही ये दूर से बेहतर है। चार दांत है भाई, 36 की हाइट है जी, यहाँ से ले लो आप 36 की हाइट है, चार दांत है और 55 के समथिंग वेट रहेगा और फुल अटैकिंग बकरा है। वो तो मारने के लिए ढूंढता है आदमी को। अच्छा इसकी रेंज में जाओगे तो, रेंज में जाओगे तो मारेगा, अपनी रिस्क पे जाओ, अपने रिस्क पे जाओ भाई। हथियार भी देखो आप, फुल जाड़े हथियार है उसके। चलो अच्छा बकरा है, जोल वोल पेटी वेटी अच्छी है बकरे की माशाल्लाह। देख के भाई थोड़ा सा आप भी संभाल के जाइए आगे। इसके बाद अपन आते हैं जैसे मालवा पे, ये भी भाई मालवा ही है, कोटा नहीं। हाँ एक चीज और क्लियर करूँ, ये बकरा मालवा ही है, मालवा में ही है। और इसके बाद अपन आते हैं एक और मालवा पे, ये जाड़े सिंह वाला जो मालवा है वाइट बीचम बीच में अपना जी जी हुआ है, ये भी फुल गरम है भाई बकरा और इसने अभी जस्ट छेदात किया है बकरे ने। और आप हथियार देखो उसके, हथियार जो है ना ये देखो आप अभी देख के आएंगे, हथियार देखो। और भाई बकरे की हाइट 36-37 के समथिंग है, 60 के करीब वजन होगा, 55 से 60 किलो जी। और फुल मस्त गरम बकरा है एकदम रुबाब वाला माशाल्लाह, अगर कोई ले तो उसको मजा आ जाए। रुबाब प्लस खूबसूरती, रुबाब पैकेज इसके अंदर मिल रहा है कंप्लीट भाई। और सबसे बड़ी बात आप वीडियो में आप ये समझिए 35,000 के अंदर इतनी सब चीजें मिल रही हैं जी। ओवरऑल 35,000 के अंदर के बकरे, 35 भी कोई नहीं है भाई ये समझिए, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर ही सब हो जाए, सब उसी के अंदर है जी भाई। ठीक है भाई नेक्स्ट ले लेते हैं। इसके बाद लास्ट में ये भाई, ये दो दांत का बच्चा है, वहीं से आप या इधर से आ जाइए आप, ये भी फुल मस्ती वाला बच्चा है, ये फुल पफ में है बच्चा, लुक वो खड़े सिक्के एकदम शानदार चीज है। इसकी भी भाई 36 की हाइट है, 45 वेट रहेगा और बच्चा बहुत माशाल्लाह है, अगर कोई पालेगा कान वान लिए वो बहुत अच्छा है बच्चा। और खुलेगी इसकी अभी पेट? हाँ अभी बच्चा है भाई, मतलब दो दांत में तो समझिए, कोटा तो खुद को चार दांत पे भी नहीं बताता भाई, कोटा का खुद को बताना चालू कोटा करता है छह दांत के बाद में क्या हूँ, छह दांत के बाद बिल्कुल। और कोटा का जो मतलब अल्लाह ने निजाम ऐसा बनाया, ये तो 8 दांत के बाद भी बढ़ते खुद को निखारते जाते भाई। अच्छा ये कोटा की स्पेशलिटी है, ये स्पेशलिटी है, वहाँ के पानी में ही कुछ है, अल्लाह जाने क्या है ये
अल्लाह बेहतर जानने वाला है। तो जिसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, ये वाला अच्छा है, ये मालवा अच्छा है, वो अच्छा है। इन तीन बकरों का अपन ये कहेंगे अगर कोई 2024 के लिए पाले तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। जी माशाल्लाह। अच्छा फराज भाई, एक पर्सनल आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मान लीजिए आप कस्टमर है और आपको एक बकरा लेना है जी, तो इन सब में से आप कौन सा लोगे, आपको कौन सा अच्छा लगा आपका भाई? मेरा अल्लाह ने अगर मुझे हालात करे तो मैं कम से कम एज अ कस्टमर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जो आपने बकरे देखे, मैं खुद जो मैं जो खरीदी करता हूँ ना भाई, एक ऐसे ही कस्टमर की तरह खरीदी करता हूँ, जो मेरे मतलब कस्टमर है वो खुश हो उनसे जी वो हिसाब से खरीदी करता हूँ मैं। अपने लिए जो पसंद करता हूँ चीज़, वही अपने भाई के लिए पसंद करूँ, ये मेरा एक मिजाज है। तो मैं अगर खुद के लिए अगर 24 के लिए बकरा पालूंगा, मुझे कोटा का शौक है तो एक वो पालूंगा और दूसरे नंबर पे एक ये पालूंगा भाई, ये दो बकरे मैं खुद के लिए पालूंगा। और एक ही जी माशाल्लाह, मुझे एक कोटा और एक मालवा में, एक कोटा एक मालवा में जी। ठीक है फराज भाई, नंबर ऑलरेडी अपना स्क्रीन पे है। बिल्कुल भाई जी। फराज भाई एक बार आपका इंस्टाग्राम आईडी है तो जानते हैं सब, फिर भी बता दीजिए। एफजी गोल्ड फॉर्म के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जो कि स्क्रीन पे चल रहा है। एफजी गोल्ड फॉर्म के नाम से यूट्यूब चैनल, वो तो कभी मैं इतना देखता नहीं हूँ, लेकिन है वो भी। बाकी व्हाट्सएप पे कोई कॉन्टेक्ट करना चाहे तो इंशाल्लाह ताला जरूर। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, भाई।